हम हमेशा ये सुनते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन मुझे ये लगता है हमें ये कहना चाहिए एन आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अभी हेमंत ऋतु चल रहा है, हेमंत ऋतु यानी ठंडी का मौसम। अभी आंवले बाजार में बहुत सारे आ रहे हैं। आंवले को संस्कृत में धात्री, दात्री फला, अमृत फला, दिव्या ये नाम दिए हैं। तो आंवले के क्या गुणधर्म है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसका सेवन हमें कैसे करना है, ये सब देखते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इच्छा रहती है कि वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे, उनका बुढ़ापा देर से आए, उनको कोई बीमारी ना हो, वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्वस्थ रहे। फिर इसके लिए हम काफी सारे उपाय करते हैं। हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, फिर काफी सारे प्रोटीन पाउडर है, टॉनिक्स है, मल्टीविटामिन है, आयरन टैबलेट्स है, या फिर डाइटिशियन से काउंसलिंग है, जिम जाना है, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। आइए आज हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं, उसका नाम है आंवला। जी हाँ, आंवले का फल। अभी हेमंत ऋतु है तो बाजार में आंवला आपको बहुत ही सस्ता और आसानी से मिल जाता है। आचार्य चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में हमें बताते हैं, आमलकम वय स्थापनानाम, यानी आयु को स्थिर बनाए रखने के लिए आमल की यानी आंवला सर्वश्रेष्ठ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट या एंटी एजिंग जो है वो गुणधर्म रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय यानी रसायन अध्याय, इसमें भी आंवले के बहुत सारे गुणधर्म वर्णन किए हैं। रसायन चिकित्सा यानी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए शक्तिवर्धक, यानी हम एक तरह से उसे टॉनिक बोल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक वर्णन किया है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्णम स्वरोदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम। अगर हम आंवले के फायदे देखें तो इसके सिर से लेके पाँव तक फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहले देखते हैं बालों के लिए। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में रूखापन है, खुजली है, या फिर जलन हो रही है, तो फिर आप आंवले का चूर्ण पानी के साथ इसको मिक्स करके उसका लेप आप बालों की जड़ों में लगा सकते हैं और इसे सूखने के बाद आप धो डालिए। यहाँ तक कि आप जो आंवला है उससे बना आप तेल भी बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आँखों के लिए। आँखों के लिए भी ये बहुत अच्छा टॉनिक है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, हम डिजिटल हो गए हैं, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो बच्चों में भी चश्मा बहुत जल्दी लगने लगा है, तो इसके लिए भी आंवला एक बहुत अच्छी औषधि है। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। इससे हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और इन्फेक्शन को कम करने के लिए बहुत मदद मिलती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या आपको एलर्जी है, सर्दी खांसी जैसी बीमारियां आपको बार बार हो रही है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसमें आंवला बहुत लाभदायक है। यहाँ तक कि कैंसर में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं और ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा के कैंसर के लिए भी हमें काफी हद तक मदद करता है। हीमोग्लोबिन या खून बढ़ाने के लिए भी आंवला बहुत उपयुक्त है। इसमें जो विटामिन सी है वो आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। बाजार में आपको धात्री लोह ये जो दवाई है ये मिल जाएगी आराम से, और ये जो एनीमिया है या खून की कमी है इसमें ये बहुत लाभदायक है। आंवला पित्त शामक है। अगर आपको बार बार मुंह में छाले आ रहे हैं, एसिडिटी है, सीने में जलन है, खट्टी डकारे आ रही है, तो आप आंवले के चूर्ण को मिश्री के साथ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको भूख नहीं लग रही है या फिर खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो भी आंवला बहुत गुणकारी है। ये हिपेटो प्रोटेक्टिव है, यानी लीवर के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में बहुत ही आपको भारीपन लग रहा है, या फिर पेट में गैसेस हुए जैसा लग रहा है, तो आप त्रिफला का चूर्ण रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। त्रिफला यानी इसमें तीन फल है, इसमें आंवला, हरड़ और बेहड़ा, ये तीनों फल समान मात्रा में दिए हुए हैं। तो इसके चूर्ण से भी आपको पेट साफ अगर आपका नहीं हो रहा है तो इसमें आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है।
त्वचा के बीमारियों के लिए भी आंवला बहुत फायदेमंद है। अगर आपको मुहासे है, त्वचा पे काले दाग या धब्बे है, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, उसमें ये बहुत लाभ दिलाता है। आंवला ब्लड प्यूरिफायर है, हृदय के लिए भी हितकर है। स्त्रियों में ये गर्भाशय बल्य बताया जाता है, यानी गर्भाशय के लिए टॉनिक है। अगर आपको मासिक धर्म के समय ब्लीडिंग ज्यादा होती है या फिर सफेद पानी जाने की तकलीफ है, जिसे हम श्वेत प्रदर कहते हैं, उसमें भी आंवला बहुत उपयुक्त है। इसके साथ साथ ही प्रमेह या जिसे डायबिटीज कहते हैं, उसमें अगर आपको हाथ पांव के तलवों में जलन है या फिर पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, थकान आपको महसूस होती है, तो उसके लिए आप सुबह हल्दी के साथ आंवला चूर्ण ले सकते हैं। आंवला मज्जा धातु को बल देने वाला है, यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन के विकारों में ये बहुत लाभदायक है। अगर किसी को उसकी दुर्बलता है तो ये बहुत फायदा दिलाता है। इसके साथ साथ ही जो पंच ज्ञानेंद्रिय है उनके विकारों में भी ये बहुत लाभ दिलाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय यानी जैसे हमारी आंखें है, हमारे कान है, नाक है, हमारी जिह्वा है, या स्पर्शनेन्द्रिय यानी हमारी त्वचा है, इन सबके विकारों में ये लाभ दिलाता ही है। साथ में इसका आरोग्य बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। आंवला शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, वीर्य को बढ़ाने वाला है और उत्तम संतति पाने के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन जो लोग तपस्वी है, योगी है या फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, अगर उन लोगों ने शुक्र धातु का क्षय नहीं होने दिया, तो उसके बाद आने वाला जो ओज धातु है, जो सप्त धातुओं का सार है, वो उनमें अति उत्तम होने की वजह से वो ओजस्वी, तेजस्वी, ये सब उनको फायदे मिलेंगे। उनका बल है, बुद्धि है, धृति है, स्मृति है, ये सब बढ़ने में उनको इसकी मदद मिलेगी। तो सब लोगों के लिए आंवला फायदेमंद है। आंवला अकेला ऐसा फल है जिसे हम दूध के साथ ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश को हम दूध के साथ लेने के लिए बताते हैं, और इसके लिए आप ये खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के बीच में या खाने के बाद आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। आंवले का सेवन हम कैसे कर सकते हैं? तो आपको फ्रेश आंवला लेके आना है और इसका स्वरस यानी इसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट अपने 2 से 4 चम्मच लेना है। या फिर आप आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, इसकी पेस्ट बना के ले सकते हैं, या फिर आंवलेह यानी च्यवनप्राश है, ब्राह्म रसायन है, आमलकी रसायन, धात्री रसायन, इसमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रसायन चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी टॉनिक के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुबह खाली पेट लीजिए। और अगर पेट साफ करने के लिए, जैसे हमने बताया, त्रिफला आप ले रहे हैं, तो उसको रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लीजिए। हो सके तो आंवले का शरबत है, मुरब्बा है, या फिर अचार, चटनी, ये घर पे बना के रखिए। इसमें से मुरब्बा या शरबत तो आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी शंका हो तो हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।